Hi everyone, welcome to my channel Stay Beautiful. This is Meenakshi. In today's video, I'm going to show you how you can achieve that glass-like clear skin with simple home remedies. Now the first question that comes here is that is it even practically possible to achieve glass-like skin? Well, the answer is definitely yes, provided you follow some little instructions here and there. आपको छोटी-छोटी कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. अगर आप उन्हें follow करते हैं और साथ में ये remedies regularly 2 से 3 हफ्ते तक करते हैं, तो ये definitely possible है कि आप अपनी skin के texture को, उसकी quality को बहुत improve कर सकते हैं और glass-like skin achieve कर सकते हैं. So चलिए without any further ado, let's get into the video. If you like the video, please like and share it. Also subscribe to my channel. साथ में जो bell button है, उसे जरूर press कर लीजिए. ताकि आप मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रह सकें. एंड विद दैट सेट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ अलोंग विद दीज रेमेडीज दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू शॉर्टली, देयर आर फ्यू अदर फैक्टर्स आल्सो जो आपकी स्किन की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर नंबर 1 इज योर जेनेटिक्स. आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, स्टिल उनकी स्किन हमेशा बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लगती है. दैट्स बिकॉज दे आर जेनेटिकली ब्लेस्ड विद गॉर्जियस स्किन. तो उन लोगों को मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है. फैक्टर नंबर 2 इज वॉट यू ईट. आपने एक बहुत कॉमन फ्रेज सुना होगा दैट यू लुक लाइक वॉट यू ईट, एंड आई कम्प्लीटली अग्री. आप जिस तरह का खाना खाते हैं उसका सीधा असर आपके फेस पे, आपकी स्किन की क्वालिटी पे पड़ता है. इसलिए मेक श्योर कि आप इन रेमेडीज को फॉलो करने के साथ साथ राइट काइंड ऑफ फूड भी खा रहे हैं. गो फॉर द न्यूट्रिशियस फूड, गो फॉर फाइबरस फूड जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, न्यूट्रिशन होता है. सैलड्स खाइए, सूप्स, फ्रूट्स, जूसेस, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. आप जितना अच्छा खाना और पीना करेंगे उतना ही अच्छा आपकी स्किन होगी. फैक्टर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मेक श्योर दैट यू हैव सम गुड साउंड अनडिस्टर्ब्ड पीसफुल स्लीप. नाउ आई नो कि टेक्निकली कहते हैं कि 8 से 9 घंटे की स्लीप हमें लेनी चाहिए, बट हम सब इतने बिजी हैं आजकल की लाइफ में कि 8 तो पॉसिबल नहीं हो पाता है एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स में भी. तो रेस्ट ऑफ द टाइम हम कम ही सो पाते हैं. बट आप जितना भी सो रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, कोशिश कीजिए कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री, दुनियादारी की झंझटों को भूल कर एकदम साउंड अनडिस्टर्ब्ड और पीसफुल स्लीप लें. नाउ दिस वन इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल इजी टू डू 4-step प्रोसीजर. ये आपको रोज रात को सोने से पहले करना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks. आप दिन में इसे मत कीजिए, रात में सिर्फ सोने से पहले कीजिए. बट आई विल एडवाइज यू कि आपको फेस वॉश एटलीस्ट दिन में 2 बार करना ही है, और फेस वॉश करने के बाद आपको इस प्रोसीजर का स्टेप नंबर 1 करना है, फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज क्लेंजिंग. आपको चाहिए थोड़ा सा रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, एक कॉटन पैड या कॉटन बॉल. इस कॉटन बॉल को मिल्क में डिप करके आपको अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से लगाना है और कम से कम 1 मिनट के लिए उसे क्लेंज करना है. अगर आपकी स्किन ऑयली या सेंसिटिव है, आपको मिल्क सूट नहीं करता, तो आप क्यूकम्बर जूस भी यूज़ कर सकते हैं. रॉ मिल्क में विटामिन बी, कैल्शियम और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चर करने के साथ साथ उसे और ज़्यादा टोन्ड अप भी बनाते हैं. आपको इसे लगाते वक्त डैबिंग मोशन का यूज़ करना है, तो आप जिस भी स्किन एरिया पे इसे लगा रहे हैं कम से कम 5 से 7 बार आपको थोड़ा सा फिंगर्स पे प्रेशर देकर इसे डैब करना है. ये एक्चुअली एक कोरियन स्किन केयर और सीक्रेट है जो कोरियन फीमेल्स होती हैं इसी तरह से डैब करते हुए लगाती हैं अपने फेस पे. इससे क्या होता है कि आपके कोलेजन लेवल्स बूस्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है और टोन्ड अप लगती है. स्टेप नंबर 2 इज स्क्रब. इसके लिए आपको चाहिए राइस फ्लोर यानी चावल का आटा और साथ में एलोवेरा जेल. अगर आपके पास लीफ है तो आप उसी में से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल चलेगा. अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसे मिक्सी में चावल को ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं. इस तरह से जब आप स्क्रब बनाएंगे तो एक अमेजिंग स्क्रब बनेगा गाइज. इसे मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें जो राइस है वो स्किन वाइटनिंग का काम करता है, आपके जो पुराने एक्ने पिंपल्स या पिगमेंटेशन है उनके स्कार्स को दूर करता है. साथ ही साथ एक स्क्रब लाइक कंसिस्टेंसी आपको देता है, एक नेचुरल स्क्रब है. और क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया है तो ये हमारी स्किन को कूल डाउन भी करेगा और स्किन को अंदर से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज भी रखेगा. ध्यान रखें कि ये जो स्क्रब है आपको एवरीडे नहीं करना है, इसे आपको अल्टरनेट डेज पे ही करना है. द थर्ड स्टेप इज़ द फेस मास्क. इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी टमेटो प्यूरी एंड हनी. दोनों चीज़ों को आपस में मिलाकर अपने फेस पर लगा के आपको 5 मिनट के लिए रखना है. टमेटो में हम सब जानते हैं कि नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छा टोनर भी होता है जो आपके पोर्स को श्रिंक करता है, जिससे आपकी स्किन पहले से ज़्यादा यंग लुकिंग और यूथफुल लगती है.
साथ ही में जो हमने हनी ऐड किया है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हेल्प करेंगी आपकी इरिटेटेड स्किन को कूल डाउन करने में, और साथ ही उसे पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और मॉइस्चराइज बनाएंगी और स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हुए स्किन पे एक नेचुरल ग्लो भी लेकर आएगी। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज। आपको अपनी रेगुलर नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लेना है और उसी में आपको ऐड कर देना है थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल। सिर्फ एक ही ड्रॉप काफ़ी है। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके अपने फेस पर अच्छे से लगा लीजिए, और सिर्फ लगाना नहीं है, आपको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इस क्रीम को अपने फेस पर मसाज करना है ताकि इसकी गुडनेस आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सके। दिस इज़ ऑल्सो येट अनादर कोरियन ब्यूटी सीक्रेट। आप जो भी चीज़ अपने फेस पर लगाएं उसे आप मसाज करके लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। And that's it. So guys, these were some very basic 4 simple steps that you have to follow to achieve glass-like skin. साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने का और नींद का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप ये process follow करते हैं 2 to 3 weeks के लिए तो आप visible results देख पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी skin पहले से ज़्यादा glowing और soft हो गई है, flawless लग रही है, और वो glass-like skin आप achieve कर पाएंगे। So do try this and share your feedback with me. I will meet you in my next video. Till then, take care and stay beautiful.